हेलो, मैं आ गया। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज का वीडियो देख के आप और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसी अपकमिंग फ़ोन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से यही रहा है। कमेंट तो करते ही करते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भैया बहुत ज़्यादा पूछते कि भैया आप माइक कौन सा यूज़ करते हो, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है और वो कौन सा माइक होता है, और ये बताओ। काफ़ी सारे क्वेश्चन माइक से रिलेटेड थे, तो मैंने कहा यहाँ पे आपके लिए एक वीडियोस तो बनती है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आप बात करूँगा कि भैया मेरा जो है वो माइक कौन सा है और मैं अपने माइक को रखता कहाँ हूँ, साथ ही साथ बताऊँगा ये माइक सारे फ़ोन में क्यों नहीं सपोर्ट करता है, कुछ ही फ़ोन में क्यों नहीं सपोर्ट करता है, और अगर सपोर्ट नहीं करता तो किस तरह उसे सपोर्ट करवाएं, चाहे जिस फ़ोन के अंदर। तो इसी सब टॉपिक पर हम बात करेंगे इसी वीडियो में। हाय गाइस, दिस इज कमल एंड यू वाचिंग अल्वर्टेक चैनल। तो चलो यार, आज हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर कि भैया माइक कौन सा है और इस माइक को यूज़ कैसे करते हैं, और जिस फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है उसमें हम इसे कैसे यूज़ करें। तो चलो यार, बात कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो भैया आज हम यही बात करने वाले हैं कि मेरी माइक कौन सी है। तो यार मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो मैं माइक यूज़ करता हूँ, मेरी माइक बहुत ही सस्ती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। यानी 150 रुपये की मेरी एक माइक है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। हालांकि उससे पहले तो मैं एक और भी माइक यूज़ किया करता था, क्योंकि मैं शुरुआती में पहले तो जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तो 100-150 सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ईयरफोन के वॉइस मतलब ईयरफोन का जो माइक होता है उसका यूज़ किया था। बट अब मैंने जब सोचा थोड़ा सा चैनल बड़ा हुआ, 300-400 से ऊपर गए सब्सक्राइबर, तो फिर मैंने एक परचेज़ कर लिया माइक। फिर वो माइक ख़राब हो गया था कुछ टाइम, फिर मैंने एक माइक और परचेज़ किया जिससे आप मेरी वॉइस सुन सकते हो। अभी माइक को मैं भी आपको दिखा देता हूँ, बट यहाँ पर रीज़न ये आता है कि ये माइक जो है वो सारे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए मेरे फ़ोन में भी सपोर्ट नहीं करता बट एक जुगाड़ है उसके ज़रिए सपोर्ट कर लेता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपनी माइक दिखा देता हूँ कि मेरी माइक कौन सी है। तो यहाँ और एक चीज़ मैं और बता दूँ, लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप अपनी माइक को छुपा के कहाँ रखते हो। तो यार मैंने ऊपर से एक धागा लटका रखा है, ठीक है, तो उसमें इस माइक को बांध के रखा हुआ है। तो ये माइक सीधा यहाँ से रहती है ताकि मैं जब हिलता डुलता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि इस माइक का वायर छोटा होता है, तो इसके लिए थोड़ा लगा के और बोलना या फिर इधर उधर हिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ माइक मेरी कौन सी है। तो भैया मेरी माइक ये है, आप सभी देख सकते हो, ठीक है, ये है मेरी माइक। आप शायद निकाला है तो कुछ यहाँ पे दिक्कत वगैरह तो आएंगी होगी, ठीक है। तो ये है मेरी माइक जो मैंने निकाल के आपको दिखाया है, इसको बोलते हैं 150 रुपये की कम चलाऊ माइक। यही है मेरी माइक, आप सभी देख सकते हो, जैसे कि फोकस कर रहा है कैमरा, यही है माइक मेरी, आप देख लो। ये पिन है, पिन को आप कहीं भी फंसा सकते हो। इसके ऊपर एक सॉफ्ट लगा हुआ था, मैंने उसे निकाल दिया था ताकि वॉइस जो है वो और ही भी ज़्यादा क्लियर आए। इसके ऊपर ये लगा होता है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो इससे क्या होता है, ये थूक वगैरह है फिर लगने से बचता है, आपके वॉइस को जो है फिल्टर करता है। तो इस चीज़ को जब आप निकाल देते हो तो वॉइस क्वालिटी आपकी और भी इंप्रूव हो जाती है, और भी क्लियर हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी आपकी 1-2% बढ़ जाती है और इंप्रूवमेंट आपको वॉइस में देखने को मिल जाता है। तो आपको मैंने दिखाने के लिए इतना आगे कर रखा है, हो सकता है वॉइस क्वालिटी आपको स्लो मिल रही हो, बट चलो देख लेते हैं। यही है माइक, ठीक है। अब इसको मैं फिर उसी जगह लगा देता हूं, आप देख लो उसी धागे में मैंने इसको दिया पहना। तो अब ये माइक मेरी चली गई ऊपर, इसलिए आपको दिखती नहीं है, और जो ये वायर आपको दिखता रहता है ये मैं हल्का सा खींच देता हूं पीछे के साइड में, तो ये भी आपको नहीं दिखता है इस टाइप का, तो ये वायर भी आपको नहीं दिखता। तो आप सोचते कि भैया मेरी माइक कहाँ पे। अब हालांकि जब आप ये माइक बाई करोगे तो सभी फ़ोन में ये सपोर्ट नहीं करता है, जो फ़ोन काफ़ी लेटेस्ट हैं उनमें तो ये सपोर्ट करेगा, बट कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सपोर्ट नहीं करता है। तो बोलते हैं कि यार माइक में ख़राबी हो गई या फिर मेरे फ़ोन में ख़राबी है, माइक को सपोर्ट क्यों नहीं करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 150 रुपये की माइक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आप वहाँ से बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, वो भैया मेरी एफिलिएट लिंक नहीं है, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, वरना बोलो बंदा इससे भी पैसा कमाने लगा, ठीक है। अभी मोनेटाइज तो ऑन नहीं हुआ, बंदे बोलने शुरू कर देते हैं। तो वो जो लिंक है उस पर आप देख लेना, फिर अमेजोन अपना खोल के वहां से वही लिंक मतलब उसी चीज को आप परचेस कर लेना, मेरे लिंक से परचेस मत करना, मैं ये नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आप चाहे जिस तरह परचेस करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफिलिएट वो मेरी लिंक है ही नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि भाई ये माइक मैं यूज करता हूँ, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड रहते थे तो मैंने कहा एक वीडियो भी बना देता हूँ। अब बात आती है कि भैया इस माइक को
सपोर्ट कैसे करना है किसी भी फ़ोन में। तो देखो, आप अगर फेस कैम करते हो तब तो कोई बात नहीं, अगर काइन मास्टर में आप ओवर वॉइस देते हो तो ये माइक सपोर्ट करेगा, काइन मास्टर का ओवर वॉइस में आपको ये माइक सपोर्ट करने को मिलेगा। बट अगर जब आप वीडियो फेस कैम करते हो तो उसमें ये चीज़ नहीं सपोर्ट करती है। तो वहाँ पर आप एक काम करो, प्ले स्टोर से जाके एक ओपन कैमरा ऐप आता है उसको ऐप को इंस्टॉल कर लो और उसके जो है वॉइस सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में जाओगे तो एक जगह लिखा होगा ऑडियो सोर्स, तो उस पर जब क्लिक मारोगे तो वहाँ पे तीन चार ऑप्शंस खुलेंगे, तो वहाँ पे आप क्लिक कर देना एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माइक लिखा होगा उस पर जब क्लिक कर दोगे तो ये माइक जो होगा वो आपको उसमें सपोर्ट करना शुरू कर देगा और आपकी सारी वॉइसें ले लेगा। तो बस यही थी कि भैया इस माइक को कैसे सपोर्ट करना है, तो सभी को नहीं पता होता था कि इस माइक को सपोर्ट कैसे करवाया जाए जिस फ़ोन में ये सपोर्ट नहीं करता। तो बस आप ओपन कैमरा से वीडियो शूट करना और वहाँ पर जाके सेटिंग में एक्सटर्नल माइक को सेलेक्ट कर लेना, तो ये माइक आपकी प्रॉपर काम करेगी और आपकी जो वॉइस होगी वो काफ़ी लाजवाब होने वाली। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो करना ही करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हाँ उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस मत कर पाओ। और आज की वीडियो में एक चीज और क्लियर कर देता हूँ भाई कि अब मैं सुबह के टाइम आपको फ़ोन के सारे रिव्यूज़ बता दिया करूँगा और शाम के टाइम को कोई टेक न्यूज़ वगैरह वगैरह भी बता दिया करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दिया करूँ। तो आप मेरी दो वीडियो देख सकते हो इसी चैनल पर। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा, आई एम साइनिंग आउट पुराने अंदाज।